तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिर फाइनली फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले वीडी माइक के बारे में, जो कि वीडी J21 ब्लूटूथ वायरलेस माइक है, जो कि इसी का आज मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ। वीडियो में इन तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसका रिव्यू दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका मॉडल आपको वीडी J21 ब्लूटूथ रिसीव, ये है इसका डिब्बा वीडी, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोगो दिया गया है यहाँ पे। तो इसको चलिए ओपन करते हैं पहले। तो फाइनली फ्रेंड, ये रहा वीडी का माइक। इसमें आपको एक यहाँ पे USB मिल जाता है, और यहाँ पे USB आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये टाइप बी का USB है। इसको पहले साइड में रखते हैं, और उसके बाद से ये है ऑक्स केबल। यहाँ पे इसके साथ में जो दिया है, तो इसको मैं इसको भी साइड रखता हूँ। और ये रहा माइक। तो माइक को पहले यहाँ पे हम ये इसके साइड का देख सकते हैं, एकदम स्मूथ कलर का है यहाँ पे। और यहाँ पे बटन भी दिया गया है। देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का ये है। और यहाँ पे मॉडल लिखा है, मॉडल J21 इनपुट DC 5 वोल्ट, मेड इन चाइना का यह जो प्रोडक्ट है। और यहाँ पे एक चार्जिंग पिन मिल जाता है यहाँ पे टाइप बी का। और यहाँ पे ये पावर बटन है, और ये वॉल्यूम का है, प्लस माइनस, और इसमें कुछ नहीं दिया गया है। और यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग अभी इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पे क्लिप दिया है लगाने वाला। तो चलिए इसको पहले हम उसको ऑन करते हैं। ऑन करते हैं तो यहाँ पे दो बार ब्लिंक करेगा लाइट, ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऑन करते हैं इसको, तो देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। जैसे ही ये कनेक्ट होगा एक डिवाइस से, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लगेगा। तो इसको मैं पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए जो कि ऑफ हो गया। तो अब नीचे लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसका मैं पहले अब डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है। तो फ्रेंड, अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं इस माइक का है, तो इसका आवाज़ मतलब कि इसका वॉइस क्वालिटी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना है। बोया M1 से और VD J21 का माइक से कंपेयर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये जो वॉइस क्वालिटी चीप एंड बेस्ट लगा मुझे। तो मैं अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये जो बोया M1 माइक का है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस माइक का यूज़ किया था। तो आप इसका वॉइस क्वालिटी देख सकते हैं कितना क्लियर है और कितना है। तो मैं कहता हूँ ये बेस्ट है, सबसे चीप एंड बेस्ट है। सस्ते दामों में आपको कोई मोबाइल में कहीं रख दीजिए, 100 मीटर की दूरी पे, 150-200 मीटर की दूरी पे आराम से ये कनेक्ट रहेगा। वॉइस है वो भी नहीं कट रहा है, और एकदम क्लियर आ रहा है। और अगर इस वॉइस को अगर एडिट कर देते हैं, तो आपका वॉइस A1 का फुल HD में हो जाएगा। फिर अभी देख सकते हैं कि अभी जो कि मेरा माइक जो एक मोबाइल से कनेक्ट है डिवाइस से, आप देख सकते हैं इसका जो कि वायरलेस माइक कहाँ तक जाता है इसको मैं देखता हूँ अभी। तो देख सकते हैं जो कि अभी जो अभी का जो आवाज़ है इसी माइक का है, J21 का। तो देख सकते हैं इसका जो कि दूरी कितना है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा अभी तो हमको मालूम नहीं है, बाद में इसको ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अभी मैंने लगभग 50 मीटर की दूरी पे आ चुके हैं, तो इसको और तक हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो अभी हम फिर से जा रहे हैं पास में। तो आपका आवाज़ कैसा आ रहा है, इसका जो कि वॉइस क्वालिटी आप कुछ कमेंट करके नीचे बताएं। तो अभी हम जा रहे हैं मोबाइल के पास, उसके पास से फिर से आपको बताते हैं। कुछ इस तरह से आसानी से आप ब्लॉगिंग के लिए कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम है VT मोनो एप्लीकेशन। तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले डाउनलोड किया हुआ है, तो देख सकते हैं इसको मैंने आपको ऑलरेडी मैं इसको डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद से आपको एक कैमरा की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन कैमरा। तो इस कैमरा का आपको ज़रूरत पड़ेगा जब इसको आप कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद से फाइनली फ्रेंड, इसको वीडियो सेटिंग पर आना है। वीडियो सेटिंग पर आने के बाद से आपको
सबसे पहले ऑडियो सोर्स का देख रहे हो ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल माइक यहाँ पे आपको सिलेक्ट और बैक आने के बाद आपको करना क्या है, बीटी पे यहाँ पे इसको क्लिक करना और यहाँ पे अलाउ कुछ परमिशन मांगा इसको आपको अलाउ कर देना है और अपने ब्लूटूथ को इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद सब फाइनली फ्रेंड इसको आपको जो कि वीडी का जो वायरलेस माइक है इसको आपको कनेक्ट करा देना है ब्लूटूथ से। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये कनेक्ट जो कि हो गया है यहाँ से आसानी से। इसको कनेक्ट करने के बाद सब फाइनली फ्रेंड आपको करना क्या है, इसको आप यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सब फाइनली फ्रेंड आपको करना क्या है कि ओपन कैमरा को आपको, तो फ्रेंड अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं इस माइक का है तो इसका आवाज़ मतलब कि इसका वॉइस क्वालिटी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना है। बोया M1 से और VD J21 का माइक से कंपेयर आप कर सकते हैं क्योंकि इसका ही जो वॉइस क्वालिटी चीप एंड बेस्ट लगा मुझे। अब इसको जितना पास ले जाइएगा उतना ही बेस्ट क्वालिटी देगा। तो यहाँ पे आसानी से इसको आप यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे अंदर कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे अंदर कर लिया। आपको वॉइस क्वालिटी मालूम चल गया होगा इसका कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं अभी ये फिलहाल यही यूज़ करूँगा ब्लॉगिंग के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कौन सा माइक बेस्ट लगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।